हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। हरियाणा के चुनावी दंगल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए खुलकर वोट करने की अपील की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए अपनी अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुधीर सिंगला और बादशाहपुर से बीजेपी प्रत्याशी मनीष यादव के लिए वोट की अपील की। भारत माता की जय से संबोधन को शुरू करते हुए शाह ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली सरकार 3D से चलती थी। पहले प्रधानमंत्री सेना को कैद में रखते थे, लेकिन हमने खुली छूट दी, जिसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। किसी की भी माई के लाल की हिम्मत नहीं है हमारे सामने आंख उठाकर देखने की देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़। ये परिवर्तन, ये फर्क है नरेंद्र मोदी जी, ये परिवर्तन है नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के बीच का। ये परिवर्तन है, ये फर्क अंतर है कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के। शाह ने सीएम मनोहर लाल और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। मित्रों, मनोहर लाल सरकार ने 10 लाख किसानों का ब्याज और जुर्माना माफ किया, मुआवजे की राशि को 7,000 से 12,000 तक पहुंचा है। ये खेलों का प्रदेश है। राय के अंदर नई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा को देश में एक नंबर के स्थान पर। हर शहीद के परिवार को एक नौकरी देने का काम किया, खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया और भर्ती ट्रांसफर के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री जेल में जाते थे, चिट्ठी पर्ची और खर्ची दोनों के बगैर भर्ती करने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार। हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मोदी और शाह की जोड़ी का मैजिक हरियाणा में कितना चलता है। R9 TV के लिए गुरुग्राम से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।